हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। आज उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि लिविंग बींग्स जो थे उनमें ह्यूमंस जो थे वो स्पेशली एक ऐसी हम लोग बोल सकते हैं स्पीशीज थी जो बोल सकती थी, जिसको लैंग्वेज के बारे में नॉलेज थी। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी व्यूज़ या बहुत सारी मतलब स्टेजेस को कवर करके आना पड़ा है ह्यूमन बींग को। जैसे यहाँ पर बताया गया जो होमिनिड्स थे उनकी लैंग्वेज जो थी वो कैसी थी, उसमें गेस्चर्स आते थे, इशारे करना है ना, और हैंड मूवमेंट्स थी उनकी, मतलब हाथों को घुमाना वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो मतलब यूज़ करते थे। जो सेकंड स्टेज थी उसमें ये बताया गया जो स्पोकन लैंग्वेज थी वो थोड़ा और ज़्यादा वोकल होगी, वो ज़ुबानी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो थी वो स्टार्ट हो गए, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सिंगिंग करना शुरू कर दिया, हमिंग करना शुरू कर दिया, मतलब गाना गाना और गुनगुनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और थर्ड पार्ट में बताया गया है ह्यूमन स्पीच जो थी उसको कहा जाता है ये कब बिगिन हुई, ये पेरीमेट्स जो थे जिनको नर वानर कहा जाता है उनके द्वारा ही ये मतलब बोली जाने लगी थी। और ह्यूमंस जो थे उनके पास बहुत कम हम लोग बोल सकते हैं नंबरिंग में स्पीच साउंड्स थी जिनको वो क्या करते थे, इनिशियल स्टेज में स्पीक आउट करते थे। और जनरली अगर हम लोग बात करें ये जो लैंग्वेज उनका स्किल था वो डे बाई डे डिवेलप्ड होता गया। जैसे कि यहाँ पर बताया गया हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये जो लैंग्वेज थी स्पोकन लैंग्वेज कब इमर्ज हुई होगी, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक सजेशन मिलता है हमें कि जो होमो हैबिलिस का ब्रेन था उसमें कुछ ऐसे फीचर्स पाए गए थे कि वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल है, उनके लिए ये मतलब वो कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया ये जो लैंग्वेजेस थी वो कब डिवेलप हुई, आई थिंक कहा जाता है अर्ली 2 मिलियन ईयर्स एगो इनको मतलब डिवेलप किया गया था। और इसका एवोल्यूशन कब हुआ था वोकल लैंग्वेज का, वोकल ट्रैक्ट का हम लोग बोल सकते हैं एवोल्यूशन जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और बहुत ही इक्वल बेसिस पे ये मतलब डिवेलप होता गया, इवॉल्व होता चला गया, जिसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि अराउंड 2 लाख ईयर्स एगो मतलब ये अक्कर हुआ था, स्टार्ट करा गया था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें स्पेशली मतलब ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्न ह्यूमन के साथ एसोसिएटेड है। देन थर्ड सुजेशन में ये बताया गया है कि ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही थी उसमें कुछ लैंग्वेज तो डेवलप हो ही रही थी, उसके साथ साथ कुछ आर्ट और कुछ और चीज़ें जो थी वो भी डेवलप हो रही थी। कहा जाता है 40,000 और 35,000 ईयर एगो के बीच में कुछ आर्ट और कुछ स्किल्स जो थे वो भी डेवलप करे गए थे, और उसी डेवलपमेंट के टाइम पर स्पोकन लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल उनके साथ कनेक्टेड थी। इस मतलब स्पोकन लैंग्वेज के साथ आर्ट था, प्लस मीडिया और कम्युनिकेशन जैसी चीज़ें जो थी वो मतलब जुड़ चुकी थी। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बताई गई है बाइसन जो कि अल्टामिरा में मतलब पाया गया था, ऐसी पिक्चर्स जो थी वो कहाँ पर देखने को मिली थी, ये स्पेन की केव्स में देखने को मिली थी। आप लोग इसको पर्सनली पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी पेंटिंग्स जो थी एनिमल्स की वो उनको कब मतलब कौन से टाइम पीरियड में मिली, 30,000 से लेकर मतलब 12,000 ईयर एगो में उनको बहुत सारी नंबरिंग में एनिमल्स की पेंटिंग मिली, जिसमें ये जो पेंटिंग्स थी उनको कहाँ से मिली, ये उनको गुफाओं से मिली, मतलब केव से मिली। और वो केव्स कहाँ पे थी, फ्रांस में और स्पेन में पाई जाती थी। फ्रांस के कौन कौन से एरियाज़ में, लासाकैक्स और चाविट, और दूसरा कौन सा था, अल्टामिरा स्पेन में। ठीक है, और उनमें ये डिस्क्रिप्शन दी गई थी या डिपिक्शन होती थी ये जो बाइसन हो गया, हॉर्सेस, एबिक्स हो गया, डियर, ममेथोस, रेनो, लॉइंस, बियर्स, पैंथर्स, हिनास और ऑल्स जो थे उनकी पिक्चर्स वहाँ पर बनाई गई थी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते थे जिनके आंसर्स उन पेंटिंग्स के थ्रू ही मिल सकते थे, जैसे कि उस एरिया में ये जो पेंटिंग्स थी वो सिर्फ केव्स में क्यों थी, और जगह क्यों नहीं थी। फिर उसके बाद ये जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ कुछ एनिमल्स ही हैं इन पेंटिंग्स में, बाकी सभी प्रजातियां नहीं हैं एनिमल्स की यहाँ पर। और ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनमें मेन जो हैं वो इंडिविजुअली भी हैं और साथ में ग्रुप में भी इन पेंटिंग्स में हैं, लेकिन वुमेन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, वुमेन
ग्रुप्स में प्रेडिक्ट हो रही है, लेकिन पर्सनली वो कहीं पर भी नहीं खड़ी है, मतलब इंडिविजुअली नहीं है वो। उसके बाद ये पेंटिंग्स जो कि बनाई गई थी, क्या वो मेन के द्वारा बनाई गई या सिर्फ मतलब विमेन के द्वारा नहीं बनाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि क्या कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो थे उन्हीं की पेंटिंग बनाई गई, क्योंकि कुछ सेक्शंस के लोग ही जो थे वो मतलब वहाँ पर आते थे और उनको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हंटिंग जो था वो राजघराने का काम था, जिसकी वजह से ये जो पेंटिंग वगैरह या फिर मतलब उस टाइम पर भी वुमेन को इतनी ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड नहीं थे जिसके अकॉर्डिंगली वो हर एक डिसीजन को मेक कर सकें। और बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस ऐसे भी हैं जिनमें ये ऑफर किया गया है कि ये सब क्यों हो रहा था, ये सिर्फ किसकी इंपॉर्टेंस थी, ये हंटिंग की वजह से हो रहा था और हंटिंग वुमेन तो करती नहीं थी, बहुत ही रेयर चांस होगा कोई करेगा, अदरवाइज मेल मेंबर्स ही करते थे। पेंटिंग्स जो कि एनिमल्स की बनाई जा रही थी उनको रिचुअल्स और मैजिक के साथ जोड़ा जाता था, रिलेट किया जाता था कि हाँ ये हमारी रिचुअल है, ये हमारा रीति रिवाज है, मतलब नोबैलिटी का ये एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक लीजर गेम भी हम लोग कह सकते हैं उसको, है ना, शिकार खेलना। उसके बाद ये जो एक्ट था पेंटिंग का उसमें ये देखा गया, ये इंश्योर किया गया कि एक सक्सेसफुल हंटर जो है वही इतने डेंजरस एनिमल्स को मार सकता है और उन्हीं की पिक्चर्स जो थी वो डिपिक्ट करी जाती थी। अनदर एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है ये जो केव्स थी उनमें ये बताया गया यहाँ पर मीटिंग्स होती थी और सिर्फ कुछ स्मॉल ग्रुप्स के लोग ही यहाँ पर आते थे और इन लोकेशंस पे आके वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ डिस्कशंस करते थे, ठीक है। और वो लोग नोबैलिटी से बिलोंग करते होंगे आई थिंक। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये जो ग्रुप्स थे वो हंटिंग की टेक्निक्स शेयर करते थे, नॉलेज शेयर करते थे, पेंटिंग्स शेयर करते थे, इवन ये जो मीडिया है मीडिया ने भी इस इंफॉर्मेशन को पास किया है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ताकि इस हंटिंग का ये जो मतलब सिस्टम है वो नेक्स्ट भी बरकरार रहे, चलता रहे। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, अब हम लोगों ने जितना ऊपर पढ़ लिया उसके बारे में हम लोगों को पता चल गया कि अर्ली सोसाइटीज़ में जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है बच्चे कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स की पास्ट की स्टडी करी जाए, मतलब ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री जो है उससे हमें जो भी एविडेंसेस मिले हैं तो वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर सच साबित होते हैं। उससे एक क्लियरली पता चल जाता है कि जो हम लोग चीज़ें नहीं जानते हैं ना तो उनका मतलब हम लोग को सिंपली यार यही बताया गया यहाँ पर कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एनिमल से स्टार्ट हुई है। तो जो कि हम लोग इस चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ चुके हैं कि हंटर गैदरर्स थे जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी हंटिंग करना, जस्ट बिकॉज ये पास्ट की सोसाइटीज़ में जो टेक्निक्स यूज़ करी जाती थी वो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि हम ये ट्रेडिशनल टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे फोर फादर्स की देन है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।